चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बैंगन की बात करते हैं तो बैंगन कईयों को तो अच्छे लगते हैं, कईयों को नहीं पसंद आते हैं, लेकिन आज हम जिस तरह से बैंगन की सब्जी बनाएंगे वो इतनी टेस्टी बनेगी कि जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाना शुरू कर देंगे। कश्मीरी बैंगन बनाएंगे, मजेदार से स्पाइसी मजेदार होंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हम अपने कश्मीरी बैंगन। इसके लिए हमने ये बैंगन लिया है, हमने ये वाला बैंगन लिया है, भरते वाला बैंगन जिसको बोलते हैं। आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं, लंबे वाले बैंगन ले सकते हैं, लेकिन छोटे वाले जो बैंगन होते हैं वो ना लें। आप या तो लंबे वाले बैंगन ले लें या तो इस तरह का बैंगन ले लें। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको ऊपर से हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कट कर लेना है, बिल्कुल अच्छा बैंगन है ये, इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंगन अंदर से बिल्कुल साफ है, फिर भी एक बार और चेक कर लेंगे। इसके बीच में से भी एक कट और मार लेंगे, यानी कि आधा करने के बाद भी उसका भी इस तरह से लंबाई में आधा करेंगे। इसको हमने इस तरह से काट लेना है, जैसे फिंगर चिप्स बनाने के लिए हम कट करते हैं उस तरह से कट कर लेंगे लंबा लंबा। तो ये लंबा लंबा हमने इस तरह से कट कर लिया, हमने दूसरा बैंगन भी इसी तरह से कट करना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे या बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखेंगे, हमने इस तरह से रखना है। आपको मैं दिखाती हूँ अभी इसकी कितना हमने इसको मोटा रखा है। ये देखिए कुछ इस तरह से रखेंगे। तो ये भी कट गए, इसको भी बीच में से एक कट और मारेंगे और इस तरह से काट लेंगे। सारे बैंगन को हमने इसी तरह से काट करके तैयार कर लेना। तो सारे बैंगन काट कर हमने तैयार कर लिए, अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो कश्मीरी बैंगन बनाने के लिए हमने जो लेना है वो है सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल को हमने लेकर इस तरह कढ़ाई में कोई भी डाल लेंगे और इस तरह से पहले इसको जला लेंगे। हमने इसको जला लिया अच्छे से और इसको एक बार ठंडा करके फिर दोबारा से इसको गर्म किया। कश्मीरी बैंगन जो बनाए जाते हैं वो सरसों के तेल में बनाए जाते हैं। तो हमने सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लेकर इस तरह से कोई भी कढ़ाई में ले लें और इसको अच्छे से जला लें पहले। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा कर लें और फिर जो है उसमें ये लंबे लंबे जो बैंगन हमने कट करे हैं इसमें डाल लें। जितने एक बार कढ़ाई में आए उतने हम इसमें डाल लेंगे। हमने इसको फ्राई करने इस तरह से लगातार हिलाते हुए हमने इसको ऊपर नीचे करते हुए फ्राई कर लेना, ताकि गोल्डन ब्राउन जो है ये सब तरफ से हो जाए। बैंगन, आलू, बैंगन का भरता, ये सभी तो हम घर में बनाते ही रहते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, सभी ने अपने घर में बनाया है, एक आधी हर बार बनाते ही रहते हैं। लेकिन ये जो कश्मीरी बैंगन हम आज बना रहे हैं ये बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत ही यकीन माने टेस्टी बनते हैं। जब आप इसे बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी खुश होकर इसको खाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। इसे आप चपाती के साथ खा सकते हैं, इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इसी तरह से हमने फ्राई करने हैं इस तरह से। आप बिल्कुल ना सोचें कि ये फ्राई ज़्यादा हो गए गोल्डन ब्राउन तो ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा रहेगा। हमने इसको कच्चा नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर ये कच्चा रहेगा तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो इसको हम ध्यान रहे कि लगातार हिलाएंगे, ऊपर नीचे ज़रूर करिएगा। इसको क्रिस्पी करना है हमने थोड़ा, तो जो जो ज़्यादा ब्राउन हो गए उसको निकाल लेते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है इसमें, तो इसको किसी भी एक प्लेट में अच्छे से छान कर निकाल लें। लीजिए ये सारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह से हमने इसमें और डाल लेने और यही तरीके से हमने जो है इनको भी फ्राई करके रेडी कर लेना है। तो सारे बैंगन हमने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से फ्राई हो गए हैं ये। इसमें अब हम अपनी कढ़ाई में हमने लिया एक कड़छी सरसों का तेल, सरसों का तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ता है, तो एक कड़छी हमने सरसों का तेल लिया और ये चार टमाटर हमने बिल्कुल लाल लाल इस तरह से धो करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। ये टमाटर जो है हम इस तेल के अंदर डाल देंगे, इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/3/4 स्पून, यानी कि एक चम्मच से थोड़ा सा कम। इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे और तेज़ फ्लेम में जो है इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। एक मिनट हमने इसको इस तरह से पकाया है, इसको अब हम ढक लेंगे, लिड लगा देंगे ऊपर और फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर देंगे और हल्की फ्लेम में जो है टमाटर को गल लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज़ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब तेज फ्लेम में इसको पकाएंगे और इस तरह से दबाते रहेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच भरकर देगी मिर्च का और आधा चम्मच इसमें और डाल देंगे, यानी कि 1.5 चम्मच भरकर हमने देगी मिर्च का डाल दिया। देगी मिर्च में फ्लेवर बहुत होता है और
बाद में कलर होता है लेकिन तीखी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगातार इसको हिलाएंगे। कश्मीरी बैंगन जो होते हैं इसमें कई लोग जो है हल्की सी सौंफ भी डालते हैं, लेकिन हर कोई जो है सौंफ का पाउडर जो है पसंद नहीं करता है, तो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो आप रहने दे सकते हैं। सौंफ लेकर थोड़ा मिक्सी में घुमा लें और बिल्कुल जो है इसका पाउडर फॉर्म कर लें। अब वो इसको इसमें जो है आप इसमें आधा चम्मच डाल लें। तो कई लोग को फ्लेवर बहुत पसंद आता है पर कई लोग जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप देख सकते हैं घी जो है पैन छोड़ चुका हुआ है। तो इसी स्टेज में हमने जो है अपने बैंगन जो हमने फ्राई किए थे वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसको अब लिड लगा कर रख देंगे और फ्लेम जो है मीडियम कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं इसको। गैस के फ्लेम में बिल्कुल तेज कर देंगे और आप देख सकते हैं घी अच्छे से छोड़ चुका हुआ है, तेल है अच्छे से छूट चुका हुआ है। इसको हमने एक दो बार बीच में हिला लिया था, एक बार इसको और हिला लिया। गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखेंगे। इसकी जो ग्रेवी है इस तरह से तेल की ग्रेवी होती है, इसको चावलों के साथ भी खाया जाता है, बहुत ही ये टेस्टी लगते हैं। यकीन माने बहुत टेस्टी है। इसको ज़रूर चावल के साथ भी खाकर देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चपाती के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, जिसके साथ भी खाएँगे इसको आपको ये यमी लगेंगे। बहुत ही बढ़िया सी शक्ल है और बहुत टेंसिंग लग रहे हैं, बिल्कुल दिल कर रहा है कि अभी खा लें इसको। गैस को हमने तेज़ इसलिए करा है फ्लेम को ताकि इसमें थोड़ा सा करारा बना आ जाए। आप देखेंगे जैसे आप इसको पलटेंगे तो ये देखेंगे, तो आप देखेंगे कि नीचे बीच में से जो है ये करारे हो रहे हैं, यानी कि थोड़े ब्राउनिश टोन में आ रहे हैं क्योंकि इसमें ऑयल है और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। हमने बहुत देर तक नहीं करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से क्रिस्पी करेंगे। ये देखिए इस तरह एक दो मिनट के लिए इसको इसी तरह से रखते हैं और अच्छे से कराने होने देते हैं। गैस के फ्लेम ध्यान रहे, तेज़ ही रखना है। अभी मैं इसको पलटूंगी, आप देखेंगे किस तरह से ये क्रिस्पी हुए हैं। ये देखिए, अब देख रहे हैं इसका क्रिस्पनेस। ये देखिए इसी तरह से हमने इसको क्रिस्पी करना है। बन चुके हुए हैं, गैस को बंद कर देते हैं स्टेज पर और इसको सर्व करते हैं। तो गर्म गर्म इसको सर्व करेंगे इस तरह से। ये देखिए कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल इसका कलर लग रहा है। आप किसी भी पार्टी में भी इसको गेट टुगेदर में भी बना सकते हैं, सभी को बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये तैयार है, अब इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे थोड़ा हरे धनिया के पत्तियों के साथ। लीजिए मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए हमारे कश्मीरी बैंगन। ज़रूर बनाइएगा, पसंद आ रहे हैं आपको ज़रूर जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। कमेंट ज़रूर करें इसको बनाकर, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज़ की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।